सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। एक और नई गेमिंग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं स्पॉन्जबॉब का गेम लेके आया हूँ, जिसे कि आपने बचपन में बहुत ज़्यादा देखा होगा। और ये गेम कोई ऐसा वैसा गेम नहीं है, इसके अंदर आपको स्पॉन्जबॉब के सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो उसका दोस्त पैट्रिक हो या स्क्विडवर्ड हो, सब आपको इसमें देखने को मिलेंगे। इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं, ये भी मुझे बहुत अच्छे लगे। जैसे कि आप सामने देख सकते हो, इसके ग्राफिक्स बिल्कुल कार्टून वाली स्पॉन्जबॉब जैसे हैं, तो आपको फुल मज़ा आने वाला है। यहाँ पर आपको बीच बीच में एक स्क्रीन भी आएगी, जो कि आपको बताएगी कि आपको किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल्स चलाने हैं और कैसे टास्क कंप्लीट करने हैं। तो ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस गेम को कंप्लीट करने में। यहाँ पर ये जो गेम है बहुत ही बढ़िया है। मैं अपने कंट्रोल्स की मदद से फिलहाल स्पॉन्जबॉब का कैरेक्टर बना हुआ हूँ और इधर से उधर घूम रहा हूँ। मेरे को यहाँ पे टास्क मिला है कि मुझे जो लाल कलर का मॉन्स्टर है, मुझे इसे पकड़ना है। इसके कई सारे वेरिएंट यहाँ पर घूम रहे हैं शहर के अंदर, तो उन्हें मुझे पकड़ना है और उसके बाद यहाँ पे मेरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो वही करने मैं जा रहा हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो गेम है, इस गेम का नाम है स्पॉन्जबॉब स्क्वायर पैंट द येलो एवेंजर। इस गेम को आप अपने फ़ोन में खेल सकते हो, बट यहाँ पर ये गेम आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, इसे आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ेगा। और कैसे डाउनलोड करना है वो सब मैं आपको कमेंट सेक्शन में स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। बाकी यहाँ पर अगर हम गेम की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं यहाँ पे पकड़ रहा हूँ इन रेड मॉन्स्टर को, बट यहाँ पे मेरे को सिर्फ 3 लाइफ लाइन मिली है। तो यहाँ पर जितने भी लोग जिनके ऊपर ये रेड मॉन्स्टर घूम रहा है ना, अगर ये उन लोगों ने मुझे मारा तो मेरी 1 लाइफ लाइन या 2 लाइफ लाइन चली जाएगी। और अगर जैसे ही मेरी 3 लाइफ लाइन गई, मुझे फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा वहीं से गेम। तो यही दिक्कत है। बाकी यहाँ पर आप जगह भी चेंज कर सकते हो एक के बाद एक। जैसे कि मैं अभी यहाँ पर इस वाले शहर में हूँ, तो मैं उधर दूसरे शहर में जा सकता हूँ। तो यहाँ पर फटाफट टाउन्स चेंज कर सकता हूँ इस गेम में, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको बीच बीच में एरो भी आता रहेगा आपकी स्क्रीन पे, जो कि आपको बताता रहेगा कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। जैसे कि मैं पहले इस तरफ आ गया हूँ, जिससे मैं इस मछली का छुटकारा दिला सकूँ, क्योंकि ये मछली पागल हो गई है, क्योंकि इसके सर पे मॉन्स्टर घूम रहा है। बट इसने इस चक्कर में मेरी हेल्थ ही ख़त्म कर दी है। तो यहाँ पर मुझे ये सब भी देख देख के करना पड़ेगा, और ये बहुत ही बच बच के करना होता है। इसका सबसे बेस्ट वे ये है कि आप ये जो मछली होती है, जो भी इंसान होता है, उसके सर के ऊपर कूदो, जिससे वो बेहोश हो जाए, फिर आप आराम से कर सकते हो। यहाँ पर आप देख सकते हो सैंडी है, जो कि हमारे स्पॉन्जबॉब कार्टून में जो स्पॉन्जबॉब को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, तो वही आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पे आप इन लोगों से बातें भी कर सकते हो, जैसे कि मैं स्क्विडवर्ड से अभी मिला था और मरमेड मैन से मिला था, जो कि अपने आप को एक सुपर हीरो मानता है यहाँ का। तो उससे मैं मिला था, तो मैं उससे बातें भी कर रहा था। तो तुम यहाँ पे ओ का बटन दबा के यहाँ पे उन लोगों से बातें कर सकते हो और रियल टॉक कर सकते हो, फिर आपको गेम की कहानी और अच्छे से समझ आएगी। और यहाँ पे मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूँ कि यहाँ पर ये गेम की कहानी सिर्फ यही नहीं है। ये रेड मॉन्स्टर तो एक कहानी है, लेवल 1 है, इसके बाद और अलग अलग टाइप की इसमें कहानियाँ हैं, बहुत सारी हैं। तो आपको यहाँ पर फुल मज़ा आने वाला है। और अगर आप स्पॉन्जबॉब कार्टून के बहुत बड़े फ़ैन रहे हो, तो आपको ये गेम बिल्कुल पसंद आएगा। यहाँ पर आप इस गेम की जो फाइल है, उसे सेव भी कर सकते हो। यहाँ पे आपको अलग से एक ऑप्शन मिलता है सेव करने का, जिससे आप फिर से इस गेम में आओ तो आपको शुरू से ना स्टार्ट करना पड़े, बल्कि जहाँ से छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करना पड़े। उसके अलावा यहाँ पे आप टास्क भी चेक कर सकते हो, जैसे कि आपकी टू डू लिस्ट है, इसमें लिखा है सेव बिकनी बॉटम, उसके बाद यहाँ पे गो वर्ड जेली फिश, उसके बाद गो विजिट गोवा लगून, पता नहीं क्या नाम है इसका, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो अब इन सभी को जो टास्क आपको करने हैं, वो आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आपको मैप मिलता है। अब मैप एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैप की मदद से आप इधर से उधर जा सकते हो। जैसे अभी मैं बिकनी बॉटम पे हूँ, इधर से मैं दूसरे टाउन पे जा सकता हूँ फटाफट। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, तो आप इस चीज़ का ट्राई ज़रूर करना। उससे पहले यहाँ पर मैं फटाफट आगे चलता हूँ, क्योंकि मेरे को आगे का जो टास्क है वो भी कम्प्लीट करना है। मुझे इस गेम के ग्राफिक्स बड़े अच्छे लगे, क्योंकि बड़े सुंदर से ग्राफिक्स, और जैसे इस गेम में